हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि काफ़ी धमाल है। उसमें जो है वॉल्यूम इतना वॉल्यूम का आपका कान फाड़ देगा। बहुत मज़ेदार बॉक्स है। इसमें बास की बात करें तो बास बहुत ही ज़्यादा है। इसमें जो है जितना बास और वॉल्यूम है इतना बड़ा स्पीकर जितने भी आता है उतना में नहीं रहता ये बास और वॉल्यूम इतना। तो देखते हैं ये कैसे बनाएगा। बहुत आसान है बनाना, वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बॉक्स है। चलिए चलते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप के सीट का जो है कुछ टुकड़े कट किया हुआ। आपको डायमेंशन जो है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आपको एक कोई भी स्पीकर लेना होगा जो आपके घर में इजीली मिल जाता है। नहीं मिलता है तो मार्केट से खरीद लीजिए, 30 से 40 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा। तो उसके आकार का जो है राउंड शेप में यहाँ पे आपको कट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसी चाकू से कर लेता हूँ जो पिछले वीडियो में मैंने बनाया था। अगर आप अब तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर देखिए, बहुत ही मज़ेदार चाकू है, इसे ज़रूर बना लीजिएगा, काम आपका बहुत ही आसान करता है। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है कट करके फिनिशिंग मैंने दे दिया हूँ इसको, काफ़ी मज़ेदार से हो गया है। उसके बाद ग्लू स्टिक आपको लेना होगा और इसको लगाना है लाइटिंग के लिए। जैसे लाइट जलता था आप देखे होंगे शुरू में, तो वो लाइट लगाने के लिए इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने जितने आपको लेने हैं दूरी पे उतना दूरी पे ले लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितना मैंने लिया हूँ वो दूरी के हिसाब से लिया हूँ। आप चाहे तो पूरे ही ग्लू गन से ही बना दीजिए और लाइट लगा दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली कुछ इस टाइप से किया हूँ। उसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना होगा, उसको ग्लू से ही पैक कीजिए, जिससे क्या होगा लाइट का इफेक्ट उस होके भी निकलेगा। मैं इसलिए बड़ा थोड़ा कट किया हूँ जिससे उस होके भी लाइट का इफेक्ट निकलेगा, बहुत ही बवाल लगेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको कितनी ही इसमें नॉलेज मिलेगी आप भी सोच नहीं सकते हैं। उसके बाद जो आपको ग्लू लेना होगा, ग्लू को जो है कट कर देना होगा स्टिक को और उस पर चिपका देना होगा। सिंपली जितनी जितनी दूरी का है उतना दूरी आप कट कर लीजिए, दोनों पे ही इजिली ग्लू दे के थोड़ा चिपका दीजिए, इजिली चिपक जाता है। चिपका दिया हूँ, सिंपली इस प्रकार से आपको देखने को मिला। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ काम करना है जो भी करना है। उसके बाद जो है आपको सोल्डिंग आयरन की मदद से सिंपली उसमें LED लगाना होगा। तो चलिए लगा लेते हैं। यहाँ पे सभी LED लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से जो है दिख रहा होगा आपको। उसके बाद जो है चारों टुकड़ों के जो है फेविक्विक की मदद से इसे चिपका देंगे, ठीक है, इजिली बट अच्छे से चिपका के। उसके बाद जो है सरेस पेपर वगैरह मार के फिनिशिंग अच्छे से देना होगा आपको हमेशा। उसके बाद आपको जो लेना होगा एम्पलीफायर मेड्यूल लेना होगा, जिस तो ये मार्केट में भी मिल जाता है, 80 रुपया का मार्केट में मुझे मिला है। उस PAM8403 यही मॉडल आपको लेना होगा, ये एम्पलीफायर तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लेना होगा जिसका भी आपको शो हो रहा होगा मॉडल नंबर, तो आप ले लीजिएगा 3.0 ब्लूटूथ मॉड्यूल है। उसके बाद जो है आपको सिंपली इस सब का कनेक्शन करना होगा, तो इस सब का कनेक्शन जो है लिखा हुआ रहता है दोनों में ही, आप देख पाओगे स्क्रीन पे, यहाँ पे माइनस प्लस जो भी है सारा चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसी प्रकार से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसकी कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 कलर का तार लिया हूँ, आप एक कलर का भी ले सकते हैं, 2 कलर का भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए 5 कलर का लिया हूँ। तो चलिए इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली देख पा रहे होंगे RTL NP जितने लिखा हुआ है सभी पे एक एक तार सोल्डिंग करता हूँ, उसके बाद उस पर भी सेम चीज लिखा रहेगा उसी पे सोल्डिंग करना रहता है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे लाल और काला जो है ये DC है, लाल काला जो DC है ग्राउंड है, 5 वोल्ट है, यानी ये बैटरी का हो जाएगा। और यहाँ पे तीनों जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल पे जाएगा और एम्पलीफायर का ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों का जो है तीनों इस पे भी सेम ही रहता है, देख पा रहे होंगे सेम लिखा हुआ रहता है, माइनस प्लस जो भी है पीछे लिखा रहता है, आपको सेम चीज करना होता है, देख देख के आप जो है इजिली कीजिए। इस पे सारा चीज कनेक्शन सेम है, देख पा रहे होंगे सारा कनेक्शन इसमें सेम ही रहता है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं रहता है, लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये लाल और काला दो तार मैंने फिर से ले रहा हूँ। उसके बाद जो है ये DC और DC के लिए जोड़ेंगे, जिससे इसे माइनस और प्लस पे जोड़ देंगे, इसमें बैटरी का कनेक्शन जो है करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो है इतना काम हो चुका है, एक बैटरी ले रहा हूँ मैं 1500 mAh की 3.7 वोल्ट का, इस पर माइनस और प्लस पे सोल्डिंग कर देना होगा। लेकिन ये सोल्डिंग मैंने गलती से किया हूँ, मैं अभी बता देता हूँ, इस पर अभी नहीं करना था, मैंने किया था तो दे दिया वीडियो में, बाकी सेम ही प्रक्रिया रहेगा बाद में भी, बस एक बीच में मॉड्यूल लगाना होगा, ठीक है।
यहाँ पे आप सिंपली देख पा रहे मैंने जो है सभी एलईडी पे जो है सोल्डिंग कर दिया हूँ। माइनस प्लस का सोल्डिंग रहता है इसलिए मैंने नहीं दिखाया हूँ, क्योंकि कई सारे लड़ी झालर मैंने बना के दिखाया आपको। माइनस प्लस का कनेक्शन आपको भी पता होगा इसमें से, इसलिए मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया हूँ सबको, माइनस में माइनस और प्लस में प्लस करके दो तार सिंपली मैंने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद ये ले रहा हूँ दो स्विच, ये पुश स्विच है, आपको इजिली मार्केट में 5 रुपया में मिलेगा। ठीक है, तो दो पुश स्विच में यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक जो है यहाँ पे बाजा के लिए रहेगा जो कि ब्लूटूथ ऑन करने के लिए, और दूसरा जो रहेगा लाइट के लिए। कभी कभी होता क्या है, आप डे में लाइट का आनंद नहीं लेके आप सिर्फ साउंड सुनना चाहते हैं, तो फिर ये स्विच काम आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो है एलईडी थोड़ा बहुत जो है वोल्टेज तो खाएगा ही, इससे बैटरी आपका बैकअप कम जाता है, तो इसलिए आपका जो है स्विच दोनों ही लगा दें और जो आपको यूज़ करना होगा वो यूज़ कीजिएगा। तो सिंपली हॉल करके उसमें जो है दे दिया हूँ। उसके बाद सोल्डिंग जो है तार उड़ उस पर करना होगा, तो चलिए कर लेते हैं। स्विच की बात करूँ तो यहाँ पे स्विच पे जो है दो कनेक्शन करना होगा, एक एलईडी बल्ब वाला कनेक्शन करना होगा और एक जो है एम्पलीफायर मेड्यूल का कनेक्शन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जो है बीच वाले को एक ही साथ जोड़ देते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप एक साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि एक ही दोनों पे ही करंट पहले देंगे यहाँ पे रेड कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी से बीच में रेड दे दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे ये आपको रेड नहीं जोड़ना था, मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि एक जो है कनेक्शन गलती हो गया था तो बाद में मैंने इसे ठीक किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे एक एम्पलीफायर का मैंने उस पर जोड़ दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस पर जोड़ दूंगा एक एलईडी का। ठीक है, दोनों का प्लस मैंने एक एक पे जोड़ दिया हूँ जिससे इसमें करंट जाए। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे मैंने बैटरी को जो है हटा दिया हूँ बीच से, बीच में सिर्फ तार आपको दिख रहा होगा जो कि बीच वाले में दोनों में ही पैनल में दिया हूँ, ये तार खाली दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और दोनों में ही एक एक आया, एक एम्पलीफायर से आया और एक जो है आया आपको एलईडी से। ठीक है, तो ये एक चार्जर मेड्यूल है, 5 वोल्ट 1 एम्पियर का ये चार्जर मेड्यूल मार्केट में इसलिए मिल जाता है, 40 रुपया का मिला है मुझे। ठीक है, तो ये सिंपली जो इस पर लिखा रहता है आउटपुट इनपुट सारा इस पर लिखा हुआ है। आउटपुट में आपको सामान का जोड़ना होगा, जैसे मैं ये अभी क्या चीज़ का जोड़ रहा हूँ, प्लस का जो कि स्विच पे दिया था, और ये जोड़ रहा हूँ आपको एलईडी लाइट का और एम्पलीफायर का, दोनों ही माइनस इस पर देख पा रहे हो जोड़ा हुआ है, इधर जो है प्लस जोड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपली कनेक्शन है। अब बैटरी का कनेक्शन करना होगा, बैटरी का कनेक्शन जो है इस मेड्यूल पर करना होगा जिससे चार्ज हो जाए, तो यहाँ पर बी प्लस और बी माइनस लिखा हुआ है, इस पर बैटरी का जो है कनेक्शन करना होता है। तो सिंपल कनेक्शन है, इस पर देख पा रहे होंगे सिंपली कनेक्शन है, लिखा हुआ रहता है, आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं होता है, सिंपली आप लिखा हुआ रहता है सारा चीज कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली मैंने एक 3500 चार्जिंग जैक लिया हूँ जो कि आपको इजीली लगा देना होगा, क्योंकि ये जो है लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें भी आपको चार्जिंग मॉड्यूल में भी मिल जाता है, लेकिन मैं ये अलग से लगा रहा हूँ जिससे अच्छा दिखने में लगे और अच्छे से हो पाए। तो ये इजीली आप जो है हॉल करके इसको जो है फिट कर सकते हैं, मैंने हॉल करके अंदर घुसा दिया हूँ, और इसका कनेक्शन भी आप इजीली कर पाएंगे आगे से जो है, आगे जो जहाँ पर आपका चार्जिंग होगा जैक उसके बगल में माइनस प्लस लिखा रहता है, उस पर आप इजीली कर दीजिए सोल्डिंग कुछ इस प्रकार से, आपको जो दिख रहा होगा मॉड्यूल के आगे में रहता है। अब क्या करेंगे, सभी को इजीली डबल टैप की मदद से चिपका देंगे। ठीक है, तो इजीली मैं सभी को चिपका देता हूं, चलिए चिपका देते हैं। तो ये सारा कंप्लीट हो गया है कनेक्शन, बस एक चीज अभी छूटा हुआ है, वो क्या है मैंने पूरे ही दिखा के उसके बाद जो है आपको बता रहा हूं क्या छूटा है, आप कमेंट में बताइए। अब तक देख रहे हैं वीडियो, एक भी चीज अगर नॉलेज आए तो बताइए क्या इसमें छूट गया है। चलिए अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो प्लास्टिक लगाया हूँ, पहले ये बता दूँ दोनों ही प्लास्टिक मैंने लगाया हूँ, इसलिए कि पुश स्विच आप अगर पुश करते हैं तो पीछे की ओर भाग सकता है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लास्टिक के टुकड़ा यहाँ पे लगा दिया हूँ। ठीक है, ये समझ गए आप। उसके बाद आप बताइए, नहीं बता रहे हैं तो स्पीकर का मैं कनेक्शन बताता हूँ। ठीक है, ये स्पीकर का कनेक्शन छूट गया था, तो इसमें भी ईजिली लिखा हुआ रहता है, इस पर देख पाऊंगे यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, एल और आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड और आर साइड, लेफ्ट साइड और दोनों ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली प्लस माइनस पे सॉल्डिंग कर दीजिए, और स्पीकर के भी प्लस माइनस लिखा रहता है उस पर सोल्डिंग इजिली आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने छूट गया था तो मैंने इसे भी कर दिया, यानी पूरे ही कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सभी को सारा कनेक्शन पसंद आया होगा, और अनजान थे तो पता ही चल गया होगा, वैसे इसमें कोई भी बहादुरी नहीं है, सारा चीज जो है लिखा रहता है, आप कोई भी टेंशन लीजिए ना, आप सारा सामान खरीद के लाइए, सारा कनेक्शन इजीली कर पाएंगे। उसके बाद जो ऊपर का ढक्कन लगा दिया हूं मैंने, उसे पैक कर दिया हूं फेविक्विक की मदद से, और इजीली जो इसे स्ट्रेस पेपर की मदद से फिनिशिंग दे देंगे। तो चलिए इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो फाइनली जो है ये कंप्लीट मैंने कर दिया हूँ, यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से जो देखने को मिलता है, पूरे ही कंप्लीट से मैंने अच्छे से तरीके से कंप्लीट। यहाँ पे दो बटन दिख रहा होगा, ये जो है एक लाइट का जो कि आप देख पाओगे इस टाइप का जो है लाइट है, इसको अंधेरे में मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद ये जो है स्पीकर का है, ठीक है, यहाँ पे दो दिया हूँ, यहाँ पे चार्जिंग का दिया हूँ जो कि आप इजिली चार्ज कर सकते हो। चलिए अंधेरे करके पहले दिखाता हूँ इसका लाइट कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली अंधेरा कर देता हूँ और इसको जो है जला देता हूँ। कितनी गजब, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी बन सकता है, बहुत ही मजेदार लग रहा है, जहाँ पे रख दीजिएगा उतना गजब।
लगेगा और इसको जो है लाइट के साथ इसका जो है साउंड सुनिएगा और भी मजा आ जाएगा। तो चलिए इसको बजा के देखते हैं। तो पहले लाइट ऑन कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे बजा के, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा अंधेरे से लेकर रोशनी तक में कैसा, रोशनी में थोड़ा इस टाइप का जो दिखता है, अंधेरे में उस टाइप का दिखता था। तो यहाँ पे फिलहाल इसको जो है कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल ले लिया हूँ कोई भी, यहाँ पे पहले आपको क्या करना होगा, ऑन करना होगा, ठीक है। तो एक बार टिपिएगा ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने साउंड जो है सुना दिया हूँ आपको। तो यहाँ पे सिंपली ये कनेक्ट करने बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये सिंपली कनेक्ट भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने मोबाइल में दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका 3.0 BT है, जो कि इसका चार्जिंग है 90% बचा हुआ है अभी चार्ज है, ठीक है। तो इसको टेस्टिंग करते हैं ये कैसा है। मैंने इसे चार्ज किया थोड़ी देर, उसके बाद मैंने इसका जो पूरे बैटरी लो हो गया था, मैंने बहुत सुना है इसको, इसलिए मैं कनेक्ट हुआ है पहले से, मैंने इसको सुना, बहुत ही अच्छा इसका बास है, मुझे जो इतना पसंद है इसका बास बहुत मज़ेदार है। और उसके बाद इसमें जो आवाज़ भी है बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए कुछ भी यूट्यूब पर ही ले लेते हैं, वैसे नो कॉपीराइट म्यूज़िक बजाएंगे, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है। तो मैं कोई भी ले लेता हूँ यहाँ पर नो कॉपीराइट म्यूज़िक और यहाँ पे जो है बजा देता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा बास है, आपको मेरी आवाज नहीं सुना दे रहा होगा, इतना बास है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखते रहिए। यहाँ पे मैं वॉल्यूम जो एक कम किया हुआ हूँ, फिर भी इसमें कितना बास रहेगा देखिएगा। यहाँ पे आपको बता दूँ कोई भी फ्रॉड वीडियो नहीं है, ये देख पा रहा हूँ। यहाँ से मैं वॉल्यूम अप करूँगा तो आवाज़ बढ़ेगा। ये जो है कोई भी फ्रॉड वीडियो नहीं है और ये काफ़ी मज़ेदार देख पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आवाज़ दे रहा हूँ, इसमें जो है काफ़ी आवाज़ है, बहुत ही मुझे आवाज़ जो है इसकी पसंद है और इसकी बास बहुत ही गजब का बास है इसमें, जो कि मुझे इससे ज़्यादा कोई भी अब तक इतना छोटा स्पीकर में इतना बास मैंने कभी नहीं देखा था। तो ये काफ़ी मज़ेदार बना है और छोटा सा कम्पैक्ट साइज, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार देखने में भी ये लगता है। कहीं भी आप जाइएगा तो बोलेगा कोई घर पर बनाया, तो वाओ कितना गजब बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप चाहे तो बजाते बजाते आप लाइट भी बंद कर सकते हैं, जैसे बैटरी जो होता है ज़्यादा खाता है लाइट उट, अब जो है लाइट बंद करके भी बजा सकते हैं। देखिए मैं बजा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये बॉक्स अगर बनाते हैं आप तो इंस्टाग्राम का आईडी का जो है लिंक नीचे दिया गया, आप इंस्टाग्राम पर फोटो खींच के भेज सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। ये बॉक्स जरूर ही बनाइएगा, बहुत ही सस्ते में बनता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।